सो गाइस, इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि आपका डेली स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए, आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक मॉर्निंग पर्सन भी रह चुका हूं और एक नाइट आउल भी रह चुका हूं। मॉर्निंग में रूटीन तभी फॉलो करता हूं जब मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और मैं नाइट आउल तब बन जाता हूं जब मुझे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अब गाइस, आपको मॉर्निंग में उठ जाना है सुबह चार बजे उठ के अपने मन से कुछ कहना है, आपको बहुत दृढ़ता से अपनी मन से अपने आत्मा से कुछ कहना है। आपको कहना है दैट यू आर द बेस्ट, आपको कहना है आई एम द बेस्ट। इस संसार में मेरे जैसा कोई ना है, ना ही कभी होगा। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कैटेगरी फॉर माई सेल्फ दैट डज नॉट एग्जिस्ट बिफोर एंड विल नेवर एग्जिस्ट आफ्टर। आपको बहुत एनर्जेटिक होकर खुद से कहना होगा कि आप बहुत ही पावरफुल इंसान हो, आप इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण इंसान हो। इसके बाद ही आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अंदाजा लग जाएगा। सबसे पहले आपको अपने अंदर एनर्जी लाना होगा, बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म भरना होगा। जो लोग नाइट रूटीन फॉलो करते हैं वो थकान महसूस करते हैं, लेकिन आपको बहुत ही पॉजिटिव फील होगा सुबह उठ के, आपको बहुत ही एनर्जेटिक फील होगा। अब गाइस, जो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक ये जो 1 घंटे का स्लॉट है, इस 1 घंटे में आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सुबह बस एक चाय पीनी है, और चाय पीने के बाद आपको जो सोचना है सोचिए। आपको कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखनी है YouTube पे, वो देख सकते हो। आप मोटिवेशनल म्यूजिक सुन सकते हो। अपने अंदर जो भी आपके भीतर छुपी हुई शक्तियां हैं उनको जागृत कर सकते हो। इसके बाद सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको उठाना है कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको बस रीडिंग करनी है। आपको स्टार्टिंग के जो भी 10 क्वेश्चंस हैं उन 10 क्वेश्चंस की रीडिंग ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर 50 क्वेश्चंस हैं, तो आपको 5 सेट्स बनानी है, एक सेट के अंदर 10 क्वेश्चन। अब गाइस, ध्यान रखना, जब आप रीडिंग करोगे, जब ये फर्स्ट 10 क्वेश्चंस की आप रीडिंग करोगे, रीडिंग करते समय आपको कुछ भी म्यूजिक वगैरह नहीं सुनना है। लेकिन जब आपकी रीडिंग हो जाती है, जब आप रिवाइज करोगे, जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, उस टाइम आपको ब्लूटूथ ईयरफोन का यूज करना है। अब 5 बजे से लेकर 8 बजे तक लगा लो अपने ब्लूटूथ ईयरफोन, और ब्लूटूथ ईयरफोन लगाने के बाद एक मस्त सा मोटिवेशनल म्यूजिक सुनो और 5 बजे से 8 बजे तक रगड़ डालो। अब इसके बाद 8 बजे से 9 बजे तक का ये जो 1 घंटे का स्लॉट है, इसमें आपको फर्स्ट 20 मिनट्स आपको कुछ रनिंग वगैरह करनी है, आपको कोई स्पोर्ट एक्टिविटीज करनी है। आप बैडमिंटन खेल सकते हो, इससे होगा क्या? अब देखो, जब आप ट्रेडमिल पे रनिंग करते हो या वॉक करते हो या कोई स्पोर्ट एक्टिविटीज करते हो या मान लो आप डांस करते हो, इससे आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, और एंडोर्फिन्स रिलीज होने के बाद ये आपकी ब्रेन के रिसेप्टर से कनेक्ट करते हैं और आपको बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी से रिलीज होती है और आपके जो भी पेन्स हैं आप बहुत ही हील हो जाते हो। अब गाइस, इसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है, और ब्रेकफास्ट आपका थोड़ा हैवी होना चाहिए, और ब्रेकफास्ट में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक सजेस्टेड डाइट प्लान फॉर स्टूडेंट्स शेयर कर दूंगा। अब गाइस, इसके बाद आपको सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक वही सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपने सुबह पढ़ा था। हम लोग एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और एक सब्जेक्ट हमारा खत्म हो जाता है तो इसी सब्जेक्ट को हम लोग रिवाइज करेंगे शाम के 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। और देखो, 2 से 3 बजे तक आप लंच कर लेना, कोई आपको 20 मिनट्स का नैप लेना तो नैप भी ले सकते हो। और लंच आपको ध्यान रखना है, लंच हैवी नहीं लेना है, लंच आपको लाइट लेना है। एक कहावत है, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ बेगर। आपका जो ब्रेकफास्ट है वो हैवी होना चाहिए, आपका जो लंच है वो थोड़ा लाइट होना चाहिए, आपका जो डिनर है वो सुपर लाइट होना चाहिए। इस पर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आप वही सब्जेक्ट पढ़ोगे जो आप सुबह पढ़ रहे हो, और इस पर 5 बजे से 8 अगर आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो आपको उसी सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। 8 बजे आपको डिनर करना है, और डिनर करने के बाद रात के 9 बजे आपको वार्म मिल्क लेना है, और वार्म मिल्क में आप 12 से लेकर 15 तक आलमंड ऐड कर सकते हो, 2 इलायची ऐड कर सकते हो, और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हो। आपको कम से कम 6 घंटे की नींद तो लेनी चाहिए। अगर आप 6 घंटे की नींद नहीं लोगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है। एग्जाम का जो आखिरी महीना होता है उसमें आप नाइट आउट्स मार सकते हो, उसमें आप 4-5 घंटे सो सकते हो। आपको मिनिमम 6 घंटा तो सोना ही चाहिए। अब इसके बाद हम लोगों को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कैसे पढ़ने चाहिए और थ्योरी सब्जेक्ट कैसे पढ़ने चाहिए। ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, इसमें आप ध्यान रखनी है, आपको एक मंत्र याद करना होगा, रीड रिवाइज रिकॉल। सबसे पहले आपको रीड करने हैं, सबसे पहले एक सेट बनाना है, आपको 10 क्वेश्चन का सेट बनाना है। सबसे पहले आपको रीड करना है, रीड करने के बाद उसको रिवाइज करना है, आपको लिख के रिवाइज करना है। आप ब्लूटूथ ईयरफोन्स लगा सकते हो, आपको रिवाइज करना है, और फिर उसके बाद आपको डबलिंग करनी है। डबलिंग का मतलब जितने आप क्वेश्चन कर लिए हैं उसको दोबारा करने हैं, इससे आपका रिविजन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब इसके बाद थ्योरी कैसे पढ़ना है। अब देखो, ये जो थ्योरी है, थ्योरी में भी आप लोग सेट बना लो, 5 टॉपिक्स का या 5 सेक्शंस का आप एक सेट बना लो। मान लो एक चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर 30 टॉपिक्स हैं, 30 टॉपिक्स है मतलब आपके 6 सेट बन गए। आपको 6 सेट कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जो पहला सेट है जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं, इसको आपको रीड करना है, और रीड करने के बाद इसको अच्छे से रिकॉल करना है। जैसे ही आपका ये पहला सेट रिवाइज हो जाता है, रिकॉल हो जाता है, उसके बाद आपको उठाना है दूसरा सेट, और दूसरा सेट सबसे पहले रीड करना है, रीड करने के बाद ऐसे ही रिकॉल करना है। इसके बाद आपको करना है क्यूमुलेटिव रिवीजन। क्यूमुलेटिव रिवीजन का मतलब है यहाँ पे आप दोनों सेट एक साथ रिवाइज करोगे,
रहोगे, ऐसे ही करके आप चलते रहोगे, ऐसे ही आप लास्ट सेट तक करते रहोगे। अब देखो जब आप रीड करते हो, रीड करते समय तो आप बैठ के रीड करो, लेकिन जब आप रिकॉल कर रहे हो तो रिकॉल करते समय बोल बोल के रिकॉल करो, चलते चलते रिकॉल करो, वॉक करते करते रिकॉल करो। इससे क्या होता है, आपका एक ऑडियो विजुअल कनेक्शन बनता है, आप एक बोल भी रहे हो और बोलते हुए आप विजुलाइज भी कर रहे हो। और देखो जो भी डिफिकल्ट पॉइंट्स लगते हैं उसके आप अलग से समरी बना लो, समरी आपको लास्ट का जो डेढ़ दिन होता है उसमें बहुत काम आएगी। इसके बाद आप एक रूल फॉलो कर सकते हो 7-4-2-1, मतलब 7 दिन के अंदर आपको एक सब्जेक्ट खत्म करना होगा। और इस 7 दिन में जैसे ही आपके जितने भी सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं, 70-80% खत्म हो जाते हैं, उसका जो भी इसमें कुछ बच जाता है वो अगले 4 दिन में खत्म करना है। फिर उसके बाद आपको 2 डे रिवीजन लगानी है, उसके बाद आपको 1 डे रिवीजन लगानी है। अब गाइस डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको एक सेपरेट डेडिकेटेड रूम सेट करना होगा अपने लिए। ये जो रूम है आपका स्टडी रूम, इसको आप बिल्कुल क्लीन रखिए और इसमें आप अच्छे से पढ़ाई करिए। अब गाइस आपको ध्यान रखना है, अगर आप एक बार में बहुत सारे काम करने जाओगे तो हो सकता है आपको एक भी काम में सफलता ना मिले, तो इसलिए ध्यान रखना आपको एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। और जो जो आपका खत्म होता जा रहा है आप एक चेकलिस्ट बना लो, आप वॉल पे ऐसे स्टिकी नोट चिपका सकते हो और एक और उसमें टिक करते जाओ आप कि आपका क्या क्या कंप्लीट होता जा रहा है। अब गाइस ऐसा भी हो सकता है आपके जो दोस्त हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट करें, आपसे फोन करके पूछेंगे कि आपने कितना पढ़ लिया है, तो यहां पे आपको अपने दोस्तों को खुश रखना है। अपने दोस्तों से कह दिए कि मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है, इससे क्या होगा, इससे आपका दोस्त का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। अब गाइस जाते जाते मैं आपको अपना फेवरेट भगवत गीता का वर्ड सुनाना चाहता हूं, प्लीज इसे ध्यान से सुनना। ध्यायतो विश्यान पुंसा संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहो, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसका तात्पर्य क्या है? अब देखो हमारा ये जो डिजायर है ये सेक्सुअल डिजायर भी हो सकता है, ये एंटरटेन होने का भी डिजायर हो सकता है, या पबजी खेलने का डिजायर भी हो सकता है। अब ये जो डिजायर है इसका स्वभाव ही ऐसा है कि ये कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकता, और इसी वजह से डिससेटिस्फेक्शन का जन्म होता है, और इस डिससेटिस्फेक्शन से एंगर जन्म ले लेता है, और एंगर से ईगो और फॉल्स अट्रैक्शन। आप ही बताओ, अगर सद्ज्ञान पाने की इच्छा ना हो तो सद्ज्ञान पाने की बुद्धि कहाँ से आएगी, और बुद्धि के जाने पर अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते हैं और यहीं से इंसान का पतन शुरू हो जाता है। आप लाख कोशिश कर लो अपने दोस्त को समझाने की कि वो गलत ट्रैक पे चल रहा है, एग्जाम टाइम पे गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ है, वो आपकी एक नहीं सुनेगा, क्योंकि ठोकर लगने के बाद ही अकल आती है। इसलिए ये सब मेटेरियल अट्रैक्शंस का त्याग करके अपनी बुद्धि को स्थिर करके एग्जाम तक खुद को तपा डालो, जला डालो। देखो लोहा तपने के बाद पिघल जाता है, पर एक सोना जो होता है, सोना तपने के बाद और भी चमक के बाहर आता है। तो याद रखना, जितना अपने आप को तपाओगे, जितना अपने आप को जलाओगे, उतना ही आप आगे चमकोगे। ऑल द बेस्ट गाइस।